तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ए बबीता जी, गुड मॉर्निंग केशवलाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल कमाल कर तो यार, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया और निकल गए। कब? अरे कब क्या जेठालाल, अभी 30 सेकंड पहले जब तुम मेरे घर के बाहर से निकले तब इतना जोर से बोला मैं गुड मॉर्निंग। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। नहीं नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था, वरना आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलो पर मैं सामने जवाब ना दूं? अब है ध्यान? अरे सवाल है, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अय्यर भाई हमारा भी रह गया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग जेठालाल? क्या हुआ यार, इतने चिड़े हुए क्यों हो तुम भाई? अभी क्या बताऊं मेहता साहब मैं आपको, आज आंदोलन है और बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर मिलने को जाना। नहीं 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 बबीता जी, आज घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। हाँ प्लीज, आज आप कहीं मत जाइए, आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। नहीं नहीं देखिए जेठा जी, क्या है ना, मेरी जो फ्रेंड है ना वो 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई है, वो आज रात को ही वापस जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या है ना मुझे उससे आज ही जाके मिलना पड़ेगा। जाना इतना ही जरूरी है तो आइए, एक काम करो ना, तुम बबीता जी को पहले उनके फ्रेंड के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहता साहब आपका बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या है, अगर मैं बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर छोड़ने जाएगा ना तो वहीं पर 10 बज जाएगा और अगर आंदोलन स्टार्ट हो गया तो मैं अपने ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अय्यर मैं काम करती हूँ, देखो मेरी फ्रेंड का घर जेठा जी के दुकान के पास है, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, इज दैट ओके? ओके 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 ओके। क्या ओके क्या जेठालाल? अरे ओके क्यों नहीं मेहता साहब, अभी तो तुम बोल रहे थे कि बबीता जी का बाहर जाना रिस्की और अब। अरे मेहता साहब आप समझे नहीं, अकेले अगर जा रहे तो रिक्शी है, मैं साथ में हूँ फिर क्या रिक्शे। अरे जेठालाल अभी तो तुम बबीता को छोड़ देगा, लेकिन वो रिटर्न अकेला कैसे आएगा? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था जेठालाल के, लौटते वक्त तो बबीता जी अकेले होंगी ना, तब तो रिस्क होगा ही ना भाई। नहीं होगा रिक्शी, क्योंकि बबीता जी अकेले नहीं आएंगे। कैसे? मैं हूँ ना भाई, शाम को दुकान से आते वक्त मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। देखो अय्यर, तुम मुझे छोड़ने के लिए वहां तक आओगे, फिर तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे, तो फिर मुझे भी बहुत टेंशन होगा ना, सो प्लीज ना ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ओके। जीप में हमें छोड़ दो, फिर तुम चले जाओ ताकि 10 बजे के पहले सब पहुँच जाए। ओ ठीक है यारो, सबको छोड़ के मैं अपने गैराज पे चला जाऊंगा। एक मिनट छोटी, मैं क्या कहता हूँ, तुम मेहता साहब और अय्यर भाई को छोड़ दे, मैं और बबीता जी रिक्शा में चले जाएंगे। बबीता जी को क्या अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो उनका घर मेरी दुकान के पास में ही। अरे जेठालाल जब थोड़ी सबको छोड़ रहा है तो तुमको अलग से क्यों जाना है? अरे अय्यर भाई अब बात को समझ नहीं रहे, अभी ये छोटी हम सबको छोड़ते हुए घर आ जाएगा तो उसको लेट नहीं हो जाएगा है? तब तक आंदोलन शुरू हो गया तो बेचारा फंस जाएगा ना यार, ऐसे अलग अलग जाएंगे तो क्या हम सब 10 बजे के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, बराबर कह रहा हूँ ना मेहता साहब? नहीं नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुमने बहुत समझदारी की बात की। बबीता जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बराबर छोड़ दूंगा। अरे ऑफ कोर्स आई नो दैट। अरे ये लीजिए रिक्शा भी आ गई। चल भाई अशोक नगर। हाँ एक मिनट भैया, जरा जल्दी करो ना प्लीज। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जरा। अरे क्या हुआ भैया? बबीता जी मुझे लगता है ये रिक्शा एकदम पुरानी खटारा हो चुकी है, अपन मेन रोड जाते वहां से दूसरी फ्रेश नई रिक्शा ले लेते ना, अच्छी वाली। हाँ 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 चलिए चलिए। अरे हाय जेनी, मैं बस तुम्हारे घर के लिए निकल चुकी हूँ। नहीं नहीं बबीता,
तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं वैसे भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। अभी से? क्यों? तुम्हारी फ्लाइट तो लेट नाइट को है ना? मगर इस आंदोलन का क्या भरोसा, शाम के 5 बजे तक नहीं रुका तो मेरी तो फ्लाइट छूट जाएगी ना। अरे पर बाय बबीता, टेक केयर। चलो ऑटो भी स्टार्ट हो गया, आइए बैठिए। नहीं नहीं जेठा जी, मेरा जाना कैंसिल हो गया। ले क्यों? वो मेरी फ्रेंड ना आंदोलन के डर से उसकी लेट नाइट की फ्लाइट पकड़ने के लिए अभी से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, सो मेरा तो अभी जाना होगा ही नहीं वहाँ पे। एनीवेज थैंक यू जेठा जी, मैं चलती हूँ। ओके ओके सी यू। चल भाई रिक्शा चालू हो गई है ना, छोड़ दे मुझे अशोक नगर। अरे साहब ये तो खटारा ऑटो है ना, आप मेन रोड से अच्छी वाली ऑटो लेने वाले थे, आप उसी में बैठ के जाइए।